नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग DELED तृतीय सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक जितने भी प्रश्न पत्र DELED तृतीय सेमेस्टर के पूछे गए उन सब प्रश्न पत्रों को भी हम हल करा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आपने देखा होंगे सामाजिक अध्ययन के सारे जितने भी प्रश्न पत्र आए थे उन सबको मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब बारी है गणित शिक्षण की। अब हम लोग गणित शिक्षण के वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक जितने भी पेपर आए हैं सबको वीडियो के माध्यम से हल करा के दिखाएंगे, क्योंकि मैथ की ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैथ के समझाइए। तो मैथ के सारे प्रश्न आपको हम करके दिखाएंगे। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये सारे वीडियो देख लिए, सिर्फ आपने प्रश्न पत्र वाले ही वीडियो देख लिए, तो ये मान चलिए कि आपका 90% कोर्स कवर हो गया, क्योंकि जितना भी सिलेबस है इन प्रश्न पत्रों में दिया हुआ है और उन्हीं सिलेबस से ही क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। अगर आपने सारे सिलेबस के वीडियो देख लिए तो मान चलिए कि ये जितने भी वीडियो बना रहा हूँ वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक के, इनमें सारा सिलेबस कवर किया हुआ है और आपका 90% सिलेबस तो सिर्फ इसी से तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज के जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है, देखते हैं। ये जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि इसका रीजन बताना है कि समानुपात में क्यों नहीं है। जब देखिए, जब समानुपात में तब होता है जब मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 30 × 300 ये बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, 120 × 90 अगर ये बराबर हो तो ये समानुपात में होगा, अन्यथा ये समानुपात में नहीं होगा। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 3 × 3 = 9 आएगा 9000 और ये आएगा 108000। तो इसका मतलब है ये 9000 और दूसरा आ रहा 10800, मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो संख्याएं दी हैं ये समानुपात में नहीं है। अगर ये बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाता तो ये समानुपात में हो जाते। आगे देखते हैं, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ए ओ बी बराबर 80, तो ए डी बी की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो आपने देखा होगा, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर समझाने में आसानी होगी। देखिए, ये जो इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल, अब इन दोनों को देखिए, ये जो एंगल होता है ये दुगना होता है इसका। देखिए, ये बाहर हमेशा बाहर का एंगल होता है और उसके बाद जो चतुर्भुज के अंदर का एंगल ये वाला होता है ये इसका दुगना होता है। तो ये आप समझ गए कि अगर ये होगा 20 का तो ये वाला एंगल होगा 40 का। याद रखिएगा, ये आधा होता है इसका और ये इसका दोगुना होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो हमें क्या मालूम है, हमें ये एंगल मालूम है, ये तो मालूम ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पूरा एंगल होता है ये 360 का होता है, जिसमें से 360 में ये देखिए ये 80 दे रखा है। जब 80 दे रखा है तो जो दूसरा एंगल है वो हमें पता चल जाएगा। 360 कुल होता है, 80 एक दे रखा है, तो ये आपका बचेगा 280। समझ गए, ये आपका आ गया 280। अब हमने क्या बताया था कि ये एंगल दुगना होता है और ये एंगल आधा होता है, ठीक है। तो जब ये 280 है तो ये कितना होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 280 का आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 140। समझ गए, ये आपका 280 हो गया, क्योंकि पूरा गोला 360 का होता है और 80 यहां दे रखा है, तो जो दूसरा वाला एंगल होगा वो 360 माइनस 80 बराबर 280, ठीक है। तो जब ये 280 हो गया, ये वाला 280 हो गया, तो ये आपका ऑटोमेटिक 140 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है आधा। समझ गए, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, यहां पर क्या था, तो ए डी बी की वैल्यू बतानी थी, तो ए डी बी की वैल्यू है 140। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं सत्य क्या है।
थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, अब पूछ रहा है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। देखिए पी क्यू देखिए सबसे नीचे है, पी क्यू वृत्त का व्यास नहीं है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि उसकी जो परिधि है उसको स्पर्श करते हुए बाहरी बाहर निकल जा रही है, तो वो होती है स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी है रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। देखिए सी डी जो है वृत्त को छेदते हुए जा रहे हैं, वृत्त के बीचों बीच जा रहे, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है, ओ आर वृत्त की त्रिज्या है। ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, तो ए एस बी ए त्रिज्यखंड नहीं है, वो उसकी परिधि है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि सी डी जो है वृत्त की छेदिका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालो। तो वही सीधा हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला लगा लेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए दे रखा है सरल ब्याज, मतलब साधारण ब्याज, तो इसको लगाते हैं मूलधन गुड़े दर गुड़े समय और बटे सौ। ये इसका फार्मूला लग गया, फार्मूला होता है मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे सौ। तो यहाँ पर ये लगा दिया, जीरो जीरो काट दिया, अब ये रहा 20 और ये रहा 5, ये रहा 2, तो तीनों का गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100 और गुणे 2 हो गया आपका 200, तो ब्याज कितना आ गया 200, इसका सही उत्तर होगा 200। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ये है लघुगणक का प्रश्न है। 5 की पावर 6 इक्वल टू 15625 का लघुगणकीय रूप आपको बताना है। तो आप देखिए जो 5 की पावर 6 है, जो संख्या है, संख्या कितनी है 5, अब 5 को आप बेस में ले आइए, ये हो जाएगा log 5 और ये जो आपकी संख्या है ये बराबर के उस तरफ चली जाती है log में, तो log बेस की वैल्यू में होगा 5 और इधर आ जाएगा 15625, मतलब log 5 15625 और ये जो पावर में होता है ये आपका बराबर के इस तरफ चला जाता है, तो log 5 15625 इक्वल टू 6, तो यहां पर सही उत्तर होगा आ। अब इसको हम चलिए कॉपी वरी करके दिखा देते तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्या है, 5 की पावर 6 बराबर 15625, तो यहां पर क्या होगा जब इसको हम log के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, log, log लिखा। अब यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो इधर से उधर नहीं जाती, वो है ये वाली संख्या, ठीक है, जो पावर के नीचे लगी हुई है 5। अब 5 को हम क्या करेंगे, ये ऊपर है, यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, बेस में डाल दिया, log 5। अब ये जो इधर है, अब कन्वर्ट करना चेंज कर दी, इधर से उधर उधर से उधर, 15625 को इधर ले आइए, 15625 इधर आ गया, बराबर लगा दिया, और ये जो पावर में 6 है, पावर में 6 इधर है, इसको इधर भेज दीजिए, ये बदल गया log के रूप में। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी समझ में आ जाए, केवल एक वैल्यू ऐसी है जो इधर से उधर नहीं जाती है, कभी वो log होता है तो log के बेस में आ जाती है, और जब log नहीं होता है तो ऊपर आ जाती है। याद रखिए, देखिए ये है नीचे ही, देखिए 6 ऊपर है और 5 नीचे, यहाँ भी नीचे है, और ये देखो 15625 ऊपर है और ये देखिए 5 नीचे है, ये 5 है नीचे ही, हमेशा याद रखिए। बस क्या होगा, जब log आएगी तो log के नीचे आ जाएगी, और जब log नहीं होगा तो थोड़ा ऊपर पहुँच जाएगी, तो ये आप समझ गए, रहेगी ये 5 हमेशा नीचे, जो ये संख्या होती है ये नीचे रहती है, और जो दूसरी संख्या होती है जैसे पावर में 6 15625 ये अपनी जगह कन्वर्ट कर लेती है। इस तरह आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लॉग में कैसे चेंज करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुविकल्पी के प्रश्न हो गए 5 और यहां पर शुरू होते हैं लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न संख्या 6 है, किसी कक्षा की 8 छात्राओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 141, 135, 133, 137, 150, 148, 136 है। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है, जब इस तरह के आंकड़े दिए हों तो इनको क्या करना है, इन सभी को आप लिख लीजिए और गिन लीजिए, 140 प्लस 141 प्लस 135 प्लस 133 प्लस 137 प्लस 150 प्लस 148 प्लस 136। अब इनको क्या कर लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे भी यहाँ दे रखा है 8, तो इसको 8 से क्या करेंगे, इसको 8 से भाग दे देंगे। अब इन सभी को जोड़ लीजिए और 8 से भाग दे दीजिए, इन सभी का जोड़ आएगा आपका 1120।
1120 आया, और 8 से भाग दे दीजिए, जब 8 से भाग देंगे तो आपका आएगा 140। तो इसका जो समांतर माध्य आएगा वो आएगा 140। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर -9, 3 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखिए सब में बेस वैल्यू बराबर है, 3, 3, 3। मैंने बताया था जब गुणा होता है तो घाते आपस में जुड़ती हैं, तो जोड़ लीजिए 3 की पावर 4 प्लस 5, और ये माइनस है तो माइनस का 9, ये प्लस है तो ये प्लस का 2। सबको जोड़ दिया आपस में, तो देखिए 4 और 5 9, और 9 और 2 11, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9, तो 11 माइनस 9 आएगा 2। 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3 होगा आपका 9। इसका सही उत्तर आएगा 9। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है, 4/(x²−y²)/9, इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको 2 के स्क्वायर के फॉर्म में नोट कर लीजिए, और ये x, तो ये पूरा आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? देखिए 2 का भी स्क्वायर है, नीचे x का भी स्क्वायर है, तो मैंने होल के ब्रैकेट में लिख लिया 2/(x²)/2। इसी तरह यहाँ 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है, तो 3 इसको भी हमने क्या कर लिया, पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा a²-b² का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, a²-b², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b और एक ब्रैकेट में a-b, तो यही यहाँ करेंगे, 2/(x+y/3) एक ब्रैकेट में, 2/(x-y/3) दूसरे ब्रैकेट। ये हो गया इसका गुणनखंड। समझ गए? अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब कुल मिलाकर ये इसमें पूछ रहा है कि एक वृत्त बनाकर उस पर बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो 3.5 सेंटीमीटर का। देखिए आप जब वहाँ परीक्षा हॉल में जब अपनी कॉपी पर हल करेंगे तो वहाँ पर आपको 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। प्रकाल से आप लेंगे, जो कंपास होता है कंपास से आप 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, उसके हिसाब से खींचेंगे। हम आपको ऐसे ही खींच के यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर का गोला है, वृत्त है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक बिंदु पी लीजिए, मान लीजिए ये हमने बिंदु पी ले लिया। अधिकांश स्थिति में आप हमेशा, अगर कुछ विशेष स्थिति ना बोले तो आप हमेशा नीचे बिंदु लिया करिए, ये मैंने ले लिया बिंदु पी। अब यहाँ बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा खींचिए, आप स्केल की सहायता से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए जो यहाँ इससे टच होकर जाए। अब पूछ रहा है रचना मत लिखिए, रचना नहीं लिखनी है, केवल आपको खींच देना है, वृत्त बना देना है, स्पर्श रेखा खींच देनी है, आपको एक में एक पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो ये देखिए 10, प्रश्न संख्या 10 है, यदि a बराबर, ये समुच्चय का प्रश्न है, यदि a बराबर 6, 8, 11 और b बराबर 5, 11, 13, तो a और इंटरसेक्शन b, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये समुच्चय का प्रश्न है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जब ये आपका दे रखा है ए इंटरसेक्शन पी, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर ऐसी, जब ये देखिए ये यू के फॉर्म में दिया हो, याद रखिएगा जब ये यू के फॉर्म में दिया हो तो क्या करते हैं, इसमें वो सारी वैल्यूज लिखते हैं लेकिन किसी वैल्यू को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ भी 11 है, तो यहाँ पर वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे, एक साथ सारी वैल्यूज लिखेंगे और एक लाइन से लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए सबसे पहले ये रहा 5, 6, 8 और 11 और 13, ये हमने लिख दिया। जब ये U के फॉर्म में दिया होगा तब सारी वैल्यूज लिखेंगे। अब यहाँ पर केवल यही पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ देता, मान लीजिए ये पूछ देता, जब ये उल्टा U के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, जब ये उल्टा U के फॉर्म में लिखा होगा तब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि जो इन दोनों में कॉमन होगा सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, तो केवल 11 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया,
मंझला ब्रैकेट लगेगा, याद रखिएगा। अगर ये पूछ देता तो आपको केवल 11 लिखना पड़ता, अब आपको इस तरह पूछ रहा है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में एक्स प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग दे दीजिए, एक्स प्लस 3 भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17। अब इसको कैसे भाग देते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x प्लस 3 से भाग देंगे। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर इसकी पहली वैल्यू कौन सी है, x, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो हमें ऐसा भाग देना है कि एक्स स्क्वायर कट जाए। अगर हम x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर x लेगा तो x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये समझ गए। अब इसको घटा दीजिए, भाग में घटाना होता है, यहाँ चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ चिन्ह बदल लीजिए, तो ये आपका कट जाएगा, और 8 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 5x। समझ गए, 8 में 3 माइनस किया तो 5 बचा और x। अब अगली संख्या उतार लीजिए 17। अब ये देखिए यहाँ x है और यहाँ 5x है, तो हमें 5x को काटना है x से, तो हम 5 से अगर x में मल्टीप्लाई कर दें तो 5x आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे x प्लस 5, ठीक है। अब 5x हो गया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5x, अब 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 15। अब इसको घटा दीजिए, चिन्ह बदल लीजिए नीचे के, ये कट गया, 17 में 15 गया तो आपका हो जाएगा 2। अब 2 के बाद, अब 17 के बाद तो कुछ है नहीं, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। 2 कितना होगा आपका, ये हो गया आपका शेषफल, और ये जो आपका आ गया ये हो गया भागफल। ये समझ गए, उम्मीद करता हूँ ये आपने भाग करना अच्छे से सीख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 40, 4, 42, 12, 43, 18, 44, 10, 45, 6। ये किसी कक्षा के बच्चों का भार है, 40 भार है 4 विद्यार्थियों का, 12 विद्यार्थियों का 42 भार है, 18 विद्यार्थियों का 43 भार है, 10 विद्यार्थियों का 44, 6 विद्यार्थियों का 45। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तब हम क्या करते हैं, तब हमें समांतर माध्य कैसे निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे भार, उसमें लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या, और उसके बाद एक और कॉलम ऐड करेंगे इसमें जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, f इंटू एक्स। तो ये हो गया आपकी f और ये हो गया x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जैसे 40 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160, ठीक है। जब हम 42 का 12 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 504। जब 43 का 18 में गुणा करेंगे तो आएगा 774। 44 का जब 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 440। 45 का जब हम 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 270। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, ये सारे जोड़ लीजिए। जब शिक्षार्थियों की संख्या जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 50, और जब ये f इंटू एक्स मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके इधर लिखा हुआ उसको जोड़ेंगे तो आएगा 2148, ठीक है। ये इन दोनों का जोड़ गया। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो आपको लगाना है। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है कि टोटल जोड़, तो एफ एक्स का टोटल जोड़ कितना आया, 2148, और फ्रीक्वेंसी का जोड़, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ये इसका जोड़ कितना आया, 50 लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 42.96, इसका सही उत्तर होगा 42.96। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखिए। 13 प्रश्न क्या है, हर्षिता ने बैंक में कुल 5,000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक में 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज देता हो। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कितने रुपए, टोटल रुपए की बात कर रहा है, मतलब मूलधन और जो ब्याज मिला वो टोटल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें वही चक्रवर्ती मिश्र धन वाला फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी, पी मतलब मूलधन, ब्रैकेट में 1
प्लस आर बटे 100 की पावर एन, एन मतलब ये होता है आपका जो समय होता है। तो इसको हम वैल्यू रखेंगे, चक्रवर्ती मिश्रधन मिल जाएगा। तो पी कितना है 5000, ठीक है, और आर कितना है रेट 8% और बटे 100, और समय कितना दे रखा है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 8/100 को सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 और ये कट जाएगा 25 से, तो 1/4/25 आएगा आपका इसका कट के। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 + 4/25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 × 8 होगा, ये 4 × 8 और 4 = 25, तो 2/25 होगा, 25 × 25 = 25, 25 × 2 = 27, तो 27/25 ये आपका आ गया पावर 2, समझ गए। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 5000 प्लस मल्टीप्लाई 27/25 गुणे 27/25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 × 50 = 200, 25 × 8 = 200, तो ये आप देखिए 27 × 27 और ये गुणे 8, तो 8 × 27 × 27 ये आपका फाइनल उत्तर आया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 5832। तो जो लास्ट में हर्षिता को रुपए मिलेंगे, हर्षिता को मिलेगा कुल कितने रुपए मिले, तो हर्षिता को 5832 रुपए मिलेंगे ब्याज के बाद, ठीक है। तो ये आपका जो चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला दो तरीके से लगाया जाता है, कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, गुणे ऊंचाई, ठीक है। या फिर इसका दूसरा फार्मूला ये होता है कि परिमाप, अगर परिमाप दे रखा है प्रश्न में तो परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो हम इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से याद करेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2, लंबाई कितनी दी है 4, चौड़ाई कितनी दी है 3.5, ऊंचाई कितनी दी है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा 7, 7.5, 7.5 गुणे 3। अब 7.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15, 3 × 15 = 45। अब ये समझ गए, अब ये हो गया आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका 45 मीटर स्क्वायर, समझ गए, जो क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये हो गया 45 मीटर स्क्वायर, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिए, वृत्त का क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू दी है 40, सी ए बी एंगल दिया हुआ है 80, ए डी बी का मान ज्ञात कर रहा है, ए डी बी, इसको देखिए ध्यान से, ए डी बी कैसे निकलेगा, ये रहा आपका ए डी बी। अब आपको ये मालूम होगा एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोण बराबर होते हैं, अगर ये और ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए ये ए और ये वाला, ये इतना वृत्तखंड है, अब एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोण या तीनों कोण जितने भी कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो एंगल सी और एंगल डी बराबर हैं। अब हमें एंगल सी तो पता नहीं है, लेकिन हम एंगल सी निकाल सकते हैं। देखिए ट्रायंगल ACB में, ACB ये ट्रायंगल ACB है, अब इसके जो तीनों कोणों का योग होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B ये क्या होंगे, तीनों का योग 180 होगा। तो आप देख सकते हैं कि एंगल A 80 दे रखा है, 80 लिख दिया, एंगल C नहीं पता है, एंगल B कितना है 40 और बराबर 180, तो एंगल सी हम निकाल लेंगे 180। अब इन दोनों को उस तरफ भेजेंगे 80 40 120, ये आ गया आपका एंगल 60। तो ये समझिए, ये जो आपका एंगल है ये आ गया आपका 60, समझ गए, ये 60 आ गया। जब ये 60 है और ये दोनों होते हैं बराबर, तो ये हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा तभी दो नंबर मिलेगा, और ब्रैकेट में लिखना होगा दोनों एक ही वृत्त खंड
के कोण हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं? इसलिए ये हमें लिखना पड़ेगा, दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं इसलिए ये बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए डी बी बराबर 60। समझ गए? देखो ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 60 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 16। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयर लेने के लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जब उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा। देखिए, जब शेयर का लेन देन होता है तो एक होता है शेयरधारी और एक होता है क्रेता। ठीक है, ये हो गया क्रेता और ये हो गया शेयरधारी। ठीक है, अब शेयरधारी ने कभी अपने खरीदे होंगे, बहुत पहले कभी खरीदे होंगे, उसने कितने में खरीदे थे जब उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा? जब शेयरधारी ने अंकित मूल्य पर खरीदा था 10 का खरीदा था। ठीक है, अब क्रेता का उसने बताया कि बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर है, तो क्रेता कितने में खरीद रहा है? वो 40 में खरीद रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो पूछ रहा है कि क्रेता को 300 शेयरों के मूल्य कितना देना पड़ेगा। देखिए, बाजार मूल्य जो होता है उसमें खरीदा बेचा जाता है। जैसे आपने बाजार मूल्य जितना इस समय चल रहा है उसी के हिसाब से आप शेयरों को खरीदेंगे बेचेंगे। तो देखिए, जो क्रेता है वो 300 शेयर खरीद रहा है। कितने शेयर खरीद रहा है? 300 शेयर। ठीक है, तो इसकी कीमत उसको क्या देनी पड़ेगी? बाजार मूल्य कितना चल रहा है? 40 रुपये। तो क्रेता के लिए 300 × 40 हो गया आपका 12,000 रुपये में क्रेता खरीद लेगा 300 शेयर। तो इसका तो आंसर मिल गया, क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा? 12,000 रुपये देना पड़ेगा। अब पूछ रहा है शेयरधारी को क्या लाभ होगा जब उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। तो देखिए, लाभ कितना होगा? लाभ प्रति शेयर पहले निकाल लीजिए। लाभ प्रति शेयर उसने खरीदा कितने में था? 10 में। बेच कितने में रहा है? 40 में। तो उसको कितना मुनाफा हो रहा है एक शेयर पे? 30 रुपये का मुनाफा हो रहा है। और कुल शेयर कितने हैं? कुल शेयर कितने हैं? कुल शेयर हैं 300। कुल शेयर, कुल लाभ कितना हो जाएगा? कुल शेयर गुणे प्रति शेयर का दाम। तो कुल शेयर कितने हैं? 300। प्रति शेयर कितने हैं? 300 प्रति शेयर पर लाभ हो रहा है। तो 3 × 3 = 9। 9,000 का उसे क्या हो जाएगा? 9,000 का उसे प्रॉफिट होगा। शेयरधारी को 9,000 लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। उसने खरीदे थे 10 रुपये में, ये देखिए, और बेच कितने हो रहा है? 40 रुपये में। तो 30 रुपये प्रति शेयर लाभ हो रहा है उसे। तो 300 शेयर हैं तो 30 रुपये से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 9,000। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। 3x² + 10x - 8, इसका गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे गुणनखंड? देखिए, जो संख्या है 8, एक्स स्क्वायर के साथ कितनी है? 3। अब 3 को 8 से कर दीजिए गुणा, 3 × 8 कितना आ जाएगा? 3 × 8 = 24। 24 आ गया। अब 24 को हमें क्या करना है? 24 को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि वो आए 10। अब कैसे तोड़ेंगे 24 को? हम ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे, सॉरी 10 को हम ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे कि उनका जो गुणनफल आए वो 24 है। जैसे हम 12 - 2 कर दें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 12 - 2 कर दे तो 10 आ गया। अब 12 × 2 करेंगे तो देखिए 24 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 12 और 2 परफेक्ट गुणनखंड है 10 के। देखिए, 3² + 12x - 2x - 8। देखिए, 10x को हमने इस तरह तोड़ लिया, 12x - 2x। अब 12x - 2x करेंगे तो 10x ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कॉमन ले लेते हैं। दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है? इसमें 3x, इसमें है 12x, तो यहाँ पर 3x हम लोग कॉमन ले लें। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 3 × 12 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बच जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर हम देखिए x + 4 हमें यहाँ भी कॉमन लेना है, तो यहाँ पहले ही हम लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। अब x + 4 हमें यहाँ से निकालना है, -2x - 8। तो यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले, देखिए यहाँ पर -2x है और हमें x निकालना है, तो यहाँ से -2 हम ले ले बाहर, तो खाली x बच जाएगा। तो -2 हमने ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बच गया 4। चलिए इसको देख ले, आगे कर लेते हैं। 3x - 2 और x + 4, ये आपका आ गया 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड, 3x - 2, x + 4। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
अब लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं एक विशेष प्रश्न भी पूछूंगा, उसको आप जरूर हल कीजिएगा और उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 6a² ठीक है। अब यहाँ दे रखा है 216, तो 6a² इक्वल टू 216। अब 6 उधर जाएगा, 216 बटे 6 आएगा, ये आपका आ जाएगा 36। तो यहाँ ए स्क्वायर उधर जाएगा तो 36 का अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आएगा 6। तो a इक्वल टू 6 आ गया। अब एक भुजा की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन निकाल लेते हैं, आयतन, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। तो एक भुजा कितनी है, 6 दे रखी है, तो 6 क्यूब, 6 × 6 × 6। अब इसका 6 का जब क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 216। 216 और किस में दे रखा था, सेंटीमीटर में दे रखा था, तो ये हो जाएगा, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, या इसको कहते हैं घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। तो ये आपके हो गए 18 प्रश्न इस वीडियो के, मतलब वर्ष 2016 में पूछे गए प्रश्न, जितने भी प्रश्न थे 18 प्रश्न थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है, बहुत ही आसान है, समुच्चय का एक प्रश्न है, देख लीजिए। समुच्चय का प्रश्न है, ए ब्रैकेट में 2 3 4 8 और बी ब्रैकेट में 4 6 8 10। अब इसको मान बताना है आपको, इसका सही उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।